Hello and welcome back to my channel. I am Bila Patel. Today we will see part 2 of chapter number 10, which is play with patterns from class 4th maths book. So let's get into the topic magic patterns. First of all, we revise the concept of patterns. So patterns means what? कोई भी डिजाइन, कोई भी नंबर, कोई भी लेटर जो अपने आप को रिपीट कर रही हो उसको हम पैटर्न बोलते हैं. और इस पैटर्न को रिपीट होने के कुछ अलग अलग रूल्स भी होते हैं दैट वी आर गोइंग टू लर्न. So see here, one magic pattern is given and the rules of this pattern is use number here 1 to 7 and the rule is that the number of numbers on each line add up to 12. So let's check one by one, okay. Here this line, first we take this line, okay. So when we add 2 plus 3 plus 7, we get 12, okay. Same as for this line. We add 7 plus 4 plus 1. So we will get 12. In the same manner, if we take this line, so 2 plus 4 plus 6, we will get 12. Okay? Same way, when we add this line's number, then we get 6 plus 5 plus 1 is equal to 12. Okay? Same way here. 3 plus 4 plus 5, so we will get 12. So here we see that how each line adds up to 12. Okay? Now let's see another pattern. Now you fill this star, okay, here. Use numbers 1 to 9 and the rule that the numbers on each line add up to 15. यहाँ पे आपको 1 to 9 number का use करते हुए यहाँ पे जो stars दिया है उसको fill करना है. और यहाँ पे rule यही है कि हर एक line के number को जब आप add कर रहे हो तो आपको answer 15 मिलना चाहिए, okay? So यहाँ पे मैंने 1 to 9 number का use करते हुए ये star को इस तरह से fill किया है कि आप कोई भी लाइन के नंबर को एड्स कर रहे हो तो आपको आंसर 15 मिलेगा. ओके, लेट्स चेक. देखो 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 4 15. ओके, सेम वे ये लाइन लेते हैं 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 सॉरी 7 प्लस 8 15. ओके, नाउ टेक दिस लाइन 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15. ओके, सेम वे हियर 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 8 15. अब हम ये लाइन भी चेक करते हैं. सो 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 1 15. सेम वे हियर इफ वी टेक दिस लाइन देन 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 6 15. ओके, यू कैन चेक बाय टेकिंग एनी लाइन. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मैजिक ट्रायंगल्स. लुक एट दिस नंबर पैटर्न. द रूल इज द नंबर ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल एड अप टू 9. आप ट्रायंगल के कोई भी साइड के नंबर को चेक करते हो तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 9 मिलेगा. ओके, तो देखो यहाँ पे दिया है 3 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 9. नाउ वी हैव टू सी इफ द अदर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आल्सो एड अप टू 9. सो लेट्स चेक 2 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 9. ओके, 3 प्लस 5 8 प्लस 1 9. ओके, सो हियर वी सी दैट द ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एड अप टू 9. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. नाउ यूज नंबर 1 टू 6 टू मेक योर ओन मैजिक ट्राइंगल. यहाँ पे जो ट्राइंगल दिया है उसको हमें नंबर 1 टू 6 से फिल करना है. ओके, और रूल क्या है कि नंबर ऑन ईच साइड मस्ट एड अप टू 10. हर एक साइड के नंबर को अगर आप एड कर रहे हो तो हमें आंसर 10 मिलना चाहिए. ओके, तो इस रूल को फॉलो करते हुए हमने 1 टू 6 नंबर को इस तरह से अरेंज किया है. देखो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, सो 1, 4, 5. ओके, अगर आप ये साइड के नंबर को ऐड कर रहे हो सो यू विल गेट आंसर 10. ओके, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10. ओके, सेम वे हियर 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 3 10. ओके, सो यहाँ पे 5 और 3 तो थे ही ऑलरेडी, तो 5 प्लस 3 8. यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो वी विल गेट 10, सो 2. ओके, इस तरह से हमारा मैजिक ट्रायंगल बन गया. ओके, नाउ लेट्स सी नंबर टावर्स. नंबर्स कैन बी अरेंज एज अ टावर. वी स्टार्ट फ्रॉम बिलो एंड गेट दिस नंबर पैटर्न. नंबर्स को यहाँ टावर के फॉर्म में अरेंज किया है एंड फॉर दिस वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बिलो. ओके, सो वी गेट दिस नंबर पैटर्न. हियर द क्वेश्चन इज कैन यू सी द रूल फॉर दिस पैटर्न. आपको ये नंबर पैटर्न कैसे बनती है उसका रूल समझ में आया? तो देखिए द रूल इज वी एड टू नंबर्स बिलो टू गेट द नंबर इन द बॉक्स अबो देम. ओके, ये रूल्स है. अगर आप ये बिलो जो दो नंबर है 10 और 20 उसको ऐड करते हो तो यहाँ पे जो ये दो नंबर के अबू जो बॉक्स दिया है उसमें उसका आंसर आएगा.
Okay, so 10 plus 20, 30. Same way here, 20 plus 30, 50. Okay, जब आप ये दोनों का सम कर रहे हो, जो आंसर मिलता है वो आपको यहाँ पे लिखना है. सेम वे 30 प्लस 50 यू विल गेट 80. ओके, वो यहाँ पे लिखना है. सो इस तरह दो नंबर को ऐड करने से जो आंसर मिलता है वो ये दोनों बॉक्स के अबो बॉक्स में आपको लिखना है. ओके, सी हियर, देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा है, 20 प्लस 30 आप करते हो सो यू विल गेट 50. वो आपको ये दो नंबर के अबो बॉक्स में लिखना है. ओके, जब आप 30 प्लस 50 करते हो और जो आंसर मिलता है वो ये दोनों के अबो बॉक्स में आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल. यूजिंग दिस सेम रूल कंप्लीट दिस नंबर टावर्स. यहाँ पे जो नंबर टावर्स दिया है उसे हमें फिलअप करना है. ओके, और इसके लिए हमें सेम रूल का ही यूज करना है कि यहाँ पे बॉटम से स्टार्ट करना है बिलो नंबर से और ये दो नंबर को एड करके जो आंसर आता है वो अबो बॉक्स में लिखना है. ओके, इस तरह से लिखते जाना है. सो लुक हियर, 5 प्लस 10 वी विल गेट 15, सो राइट हियर 15. ओके, 10 प्लस 15 वी विल गेट 25, सो राइट 25 इन दिस सर्कल. ओके, 15 प्लस 20 वी विल गेट 35, सो राइट 35 हियर. ओके, सेम वे 15 प्लस 25 वी विल गेट 40, सो राइट 40 हियर. ओके, 25 प्लस 35 वी विल गेट 60. ओके, सो राइट 60 हियर. ओके, सेम वे 40 प्लस 60 वी विल गेट 100. ओके, इस तरह से. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल. 1 प्लस 2 वी विल गेट 3. ओके, सेम वे 2 प्लस 3 वी विल गेट 5. 3 प्लस 4 वी विल गेट 7. ओके, 4 प्लस 5 वी विल गेट 9. ओके, इस तरह से हमें दो दो नंबर को ऐड करते हुए उसके अबो बॉक्स में आंसर लिखते जाना है. ओके, देखो यहाँ पे 3 प्लस 5 उसके अबो बॉक्स में हम 8 लिखेंगे उसका आंसर. 5 प्लस 7 ओके, यहाँ पे हम 12 लिखेंगे. 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 16, सो यहाँ पे हम 16 लिखेंगे. ओके, सेम वे 8 प्लस 12 सो वी विल गेट 20. ओके, राइट 20 हियर. 12 प्लस 16 वी विल गेट 28, सो राइट 28 हियर. ओके, 20 प्लस 28 इज इक्वल टू 48, सो राइट 48 हियर. ओके, ओके, सो आई होप द कंसेप्ट ऑफ नंबर टावर्स इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट द सेम सम रूल. सम फ्रेंड्स आर प्लेइंग विथ नंबर कार्ड्स, सी हाउ दे एड. यहाँ पे ये जो बच्चे हैं वो नंबर कार्ड से खेल रहे हैं. अब देखो वो किस तरह से नंबर को ऐड करते हैं. तो यहाँ पे देखिए 11 प्लस 16 क्या किया इन्होंने, दे टेक फर्स्ट नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड फर्स्ट नंबर फ्रॉम राइट. ओके, और उसको ऐड किया. सो 11 प्लस 16 किया. ओके, सो आंसर इज 27. देन दे टेक सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड सेकंड फ्रॉम राइट. ओके, सेकंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड सेकंड नंबर फ्रॉम राइट उसको इन लोगों ने ऐड कर दिया. ओके, सो 12 प्लस 15 सो अगेन दे विल गेट सेम आंसर 27. ओके, और नेक्स्ट कौन से नंबर ऐड किए, थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड थर्ड नंबर फ्रॉम राइट. ओके, 13 प्लस 14 सो अगेन दे विल गेट 27 आंसर. लुक एट द क्वेश्चन, कैन यू सी द रूल विच गिव अस द सेम सम ईच टाइम. तो इसके पीछे रूल कौन सा है, वी गेट द सेम सम व्हेन वी ऐड द टू नंबर्स लाइक फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड फर्स्ट नंबर फ्रॉम राइट. ओके, सेम वे सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड सेकंड नंबर फ्रॉम राइट. ओके, तो ये लेफ्ट साइड से लेना है एक नंबर और ये राइट साइड से एक नंबर लेना है, ये दोनों को ऐड करना है. सेम वे सेकंड नंबर लेफ्ट साइड से लेना है और सेकंड नंबर राइट साइड से लेना है. ओके, उसको ऐड अप करना है. सेम वे थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड थर्ड नंबर फ्रॉम राइट साइड, ये दोनों नंबर को ऐड अप करते हैं. सो वी विल गेट द सेम सम. ओके, नाउ यू राइट एनी नंबर एंड द थ्री नंबर्स आफ्टर दैट मेक अ पैटर्न यूजिंग द रूल. सो देखिए मैंने ये नंबर लिया है. ओके, 3 5 7 9. ओके, अब देखिए मैं ये नंबर ले रही हूँ फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट नंबर. ओके, एंड फर्स्ट फ्रॉम राइट नंबर, इन दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ. सो 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12. ओके, सेम वे सेकंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड सेकंड नंबर फ्रॉम राइट साइड. ओके, ये दो नंबर को ऐड करती हूँ. सो आंसर इज 12. ओके, सो हियर वी कैन सी वी गेट द सेम सम. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पैटर्न्स विथ एडिशन. सो सी हियर, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6. ओके, अब यहाँ पे क्या किया है,
टू से स्टार्ट किया है. ओके, सो 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 9. अब यहाँ पे हम 2 को स्किप करके 3 से स्टार्ट करेंगे. ओके, सो 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 12. सो इस रो में हमने 1 नंबर से स्टार्ट किया है, इस रो में 2 नंबर से, इसमें 3 नंबर से, और इस नंबर को एडिशन करने के बाद हमें क्या पैटर्न मिली, यहाँ पे देखो 6 9 12. दैट मीन्स द सम ग्रो बाय 3 ईच टाइम. ओके, नाउ लेट्स सी हियर. हियर 1 + 2 + 3 + 4 यहाँ पे 4 नंबर लेके एडिशन किया है. ओके, सो वी विल गेट 10. ओके, यहाँ पे 2 से स्टार्ट करना है, 2 + 3 + 4 + 5, सो वी विल गेट 14. ओके, 3 + 4 + 5 + 6, सो वी विल गेट 18. सो हियर द सम ग्रोज बाय 4 ईच टाइम. ओके, 10 14 18, सो 4 नंबर बढ़ रहे हैं. ओके, ईच लाइन में. नाउ यू ट्राई टू मेक सच अ पैटर्न विथ 5 नंबर्स इन ऑर्डर. सो इसी तरह से हमें 5 नंबर लेके इस तरह की पैटर्न बनानी है. ओके, तो देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू वी गेट 15. ओके, यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे, सो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इज इक्वल टू 20. ओके, सेम वे यहाँ पे 3 से स्टार्ट करेंगे. ओके, 3 + 4 + 5 + 6 + 7, सो वी विल गेट 25. ओके, यहाँ पे देखिए 4 से स्टार्ट करना है, 4 + 5 + 6 + 7 + 8, सो वी विल गेट 30. ओके, 5 + 6 + 7 + 8 + 9, सो वी विल गेट 35. हियर द सम ग्रोज बाय 5 ईच टाइम. ओके, ओके, 15 + 5 = 20, 20 + 5 = 25, 25 + 5 = 30, 30 + 5 = 35. हियर द क्वेश्चन इज डज द सम ग्रोज बाय 5 ईच टाइम. सो अवर आंसर इज यस, द सम ग्रोज बाय 5 ईच टाइम. सो आई होप अप टू दिस द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. दिस इज पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर. द नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट. आई एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन टोटल 3 पार्ट्स. यू विल फाइंड द लिंक ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो वी विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय. प्लीज सब्सक्राइब Happy to Teach Tutorial channel for watching more videos and press the bell icons for getting notification of upcoming videos. Thank you.